नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू F3 हेल्थ केयर। मैं वर्षा अय्यर आज आपको बताने जा रही हूँ बुखार आने के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए बढ़ाते एक कदम स्वास्थ्य की ओर। तो दोस्तों, मैंने जैसे पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि इन्फेक्शन की वजह से बुखार आता है। इन्फेक्शन कैसे होता है? अगर आपने गलत चीज खा ली तो आपको इन्फेक्शन हो गया और आपकी बॉडी गर्म हो गई। तो यही इन्फेक्शन, जैसे आपने गलत चीज को छू लिया और उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो गया तब भी आपको बुखार आता है। आपने गलत स्मेल कर लिया तो भी आपको बुखार आता है। तो ये बुखार आने के बाद, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि नींबू और गर्म पानी, उसको आपको कंटिन्यू करना है। और अभी सेकेंड रेमेडीज आपको ये है कि आपको एक काढ़ा बनाना है और उस काढ़े में आपको एक ग्लास पानी चूल्हे पे रख दीजिए और उसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, ब्लैक पेपर, दालचीनी पाउडर, अदरक, तुलसी के पत्ते और गुड़ और इतनी सी चाय की पत्ती और उसमें हल्दी डाल दीजिए। उसको अच्छे से उबालिए। अच्छे से उबालने के बाद उसका पानी आधा हो जाए, उसके बाद उसको गरम गरम सिप सिप करके आप पीजिए और अपने ऊपर रजाई लेके आप थोड़ी देर के लिए सो जाइए। आपको पूरी तरह से पसीना आ जाएगा और पसीना आने के बाद आपका बुखार उतर जाएगा। और ठंडे कपड़े से मतलब नॉर्मल पानी का कपड़ा हो, रुमाल या फिर नैपकिन, कुछ भी हो सकता है, उसको अच्छे से निचोड़ के उससे आप अपने बदन को पोंछ दें। इससे आपका बुखार पूरी तरह से चला जाएगा। हल्का बदन लगेगा आपको और आपको लगेगा कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरा और एक रेमेडी है प्याज का रस, लेकिन सफ़ेद वाला प्याज। तो सफ़ेद प्याज का एक चम्मच रस निकाले, उसको थोड़ा सा गर्म करें, फिर ठंडा करें और उस प्याज के रस को आप पी लें। उससे भी आपको पसीना आएगा, उस पसीने को वैसे ही नैपकिन या रुमाल से, ठंडे रुमाल से आप पोंछ दें, अपने कपड़े चेंज कर ले, उसके बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको बुखार नहीं है, आपका बदन हल्का हो गया है। और एक चीज़, ये थोड़ी सी मुश्किल है दोस्तों, लेकिन बहुत ही अच्छी है। ये करने के बाद आपको आगे 6 महीने तक बुखार नहीं आएगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको 24 आवर्स तक कुछ नहीं खाना है, सिर्फ पानी, काढ़ा, गर्म पानी, नींबू वाला। और जो आपको लगता है कि थोड़ा सा लो हो गए हैं तो नींबू, शक्कर और नमक का पानी, जैसे ORS, आप बना के रख सकते हैं और उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। आपको एनर्जी आती रहेगी, आपको वीकनेस नहीं आएगा। नारियल का पानी पी सकते हैं, मौसम्बी का जूस पी सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपकी एनर्जी बनी रहेगी, बुखार भी उतर जाएगा। लेकिन 24 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। एक बात याद रखना दोस्तों, मिल्क, अगर आपको बुखार आता है क्योंकि वो इन्फेक्शन से आया हुआ है, तो इन्फेक्शन दूध पीने से या दूध का कोई भी चीज़, मतलब चाय या कॉफ़ी या कुछ भी पीने से वो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। इसलिए जब भी बुखार आए या बुखार आने की स्थिति में आप हो तो दूध का सेवन बंद कर दें। दूध बिल्कुल भी जहर जैसे काम करता है, बुखार में वो बढ़ सकता है, इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ सकता है और आपको ज़्यादा बुखार आ सकता है। इसलिए आपको दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, ये 24 आवर्स वाला अगर आपने किया तो आपको आगे 6 महीने तक बुखार बिल्कुल नहीं आएगा। तो 24 आवर्स के बाद जब आप खाना खाएंगे तो उसके 10 मिनट पहले आपको गर्म पानी, नींबू और उसमें नमक डालकर वो पीना है। क्योंकि 24 आवर्स तक आपने कुछ नहीं खाया है तो आपके सर में दर्द होगा, एसिड बढ़ेगा, एसिडिटी हो गई होगी तब तक। तो ये पानी पीने की वजह से आपको उल्टी आएगी और अगर उल्टी आ गई तो आपके अंदर का सारा इन्फेक्शन बाहर निकल जाएगा, आपको बिल्कुल हल्का महसूस होगा। और उसके 10-15 मिनट के बाद या आधे घंटे बाद आप हल्का सा खाना खाए, मूंग की दाल की खिचड़ी खाए, और तब तक आपका बुखार पूरी तरह से जा चुका होगा और आप हेल्दी हो चुके होंगे। मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ एक्यूप्रेशर पॉइंट। ये आपके पॉइंट्स हैं अगर बुखार आता है आपको, तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको एक एक करके नहीं दबाना है
तो आप ऐसे अपने हाथ को कर लें और इसको ऐसे पुश करें और 60 टाइम्स या 90 टाइम्स इसको करें। इससे आपका बुखार कम हो जाएगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ाने के लिए ये पॉइंट तो है ही, ये पॉइंट मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये पॉइंट है। और अगर आपको ये चार उंगली आपको ऐसे लेनी है, ये यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर आपको ऐसे सर्कल में गोल 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 करके, यहाँ पे दर्द होता है तो गोल 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 करके आपको करना है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट से आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, आपका बुखार, आपका इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है मेरी बताई हुई बातें आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलकर बढ़ाते हैं कदम स्वास्थ्य की ओर। नमस्कार।